नमस्कार मैं रेनु सकलानी रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक सकलाना बटेन पिछला सात आठ वर्षों से देहरादून में पत्रकारिता का क्षेत्र में काम करना पहले कला संस्था को आभार व्यक्त कर दू और धन्यवाद दे प्रकाश जी को जोन मैं जो मैं तय जो इतिहास सुंदर पहल में जोड़ी और अपनी बात रखने को मौका देनी हमारी गढ़वाली मातृभाषा का संरक्षण तय लगातार बहुत से लोग जो काम करना छ अपनी लेखनी का जरिए अपनी कविताओं का जरिए अपनी लोकगीतों का जरिए हम जानते छिन कि बहुत सारा लोग जो लगातार काम करना हमारे सामने डॉक्टर बीना बेंजवाल जी छिन माधुरी बरतवाल जी जो अपनी लेखनी अपनी गीतों अपना शोधों का जरिए जोछे गढ़वाली भाषा को प्रचार करना छोचे हमते हम, हम युवा पीढ़ी ते भी भाषा की गूढ़ता ते समझौना छिन मैं कुछ अपना अनुभव ज़रूर ये अभियान का ज़रिए बताऊँ चालू कि शायद बचपन बिटिन हम ते भी कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ सामना करना पड़ रही कि कले कि हम गढ़वाली अपनी भाषा में अपनी बात बोदा। खास तौर पर किले कि मेरी पढ़ाई जो चे दसवीं बारहवीं तक जो मैं गाँव में ही मेरी पढ़ाई हुई और तौर पर जब छुट्टियों को टाइम होंगी तो हमारा रिश्तेदार सभी घर पहुँचता अपना बच्चों के साथ में और ते वक्त एक गुट होंद अलग तरीके से जो गांव का बच्चा माँ और बहरा बच्चों माँ जो छे अलग सी एक दिखिंद चीज कि लेकिन हम गढ़वाली में बोल हैं तो हमते हैं बड़ी हीन भावना से देखी जान चो और एक एक तरह से जो प्रतिस्पर्धा जन माहौल चो एक अनुभव छे कि अगर हम दई दुई दुए चार भी बोना छ तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं जबकि हम सही भी बोना छो लेकिन अगर भैरव को बच्चा दुई दुई आठ गलत भी बोलू चाह लेकिन मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ बोल दू। कि कले हमारा परिवेश ये कुछ सबसे बड़ा जिम्मेदार हूँ हम अपनी भाषा बोलना शर्मिंदगी महसूस करता छा हिचकिचांदा छा चा। कि अगर हम बोला तो शायद जो हमारा मजाक बढ़ और बढ़ दू भी छो ये शायद मैं दगड़ी मैं दगड़ी तौर पर मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने भी ये चीज़ बहुत झेल बहुत सालों तक ये चीज़ मैं दगड़ी भी रहे एक वक्त तो मैं मैं खुद अपनी बात बताऊँ छू कि एक वक्त मैं दगड़ी ये भी छू कि जब मैं बो बोन से पहली बहुत सोच दू छो बहुत हिचकदू छो और खासतौर पर कई बार तो यह भी बनती कि अगर सामने वाले मैं तो कुछ पूछ लूँ भी तो उसमें मैं गर्दनी माँ हाँ और ना बोल दू छूँ मैं तो लग चू कि शायद अगर मैं कुछ बोल दे तो मेरा मजाक उड़ूँ हमारा रिश्तेदार जो जो जन्म यखी लेनी पढ़ी लिखी नहीं यकीन और बहर जैक अपनी भाषा अपने बच्चों तक भी बोल जरूरी नहीं समझदन मैं बहुत हैरान हूँ चुप कि ये लोग खुद गढ़वाली बोली बोली ते ही बड़ी बेन और आज अपनी बोली बोल में शर्मिंदगी महसूस कर खैर बच्चा था कुछ कर ही नहीं सकता चाह ये मैं सबसे बड़ी रोल समाज में और हमारा अब, परिवार और मेरा माता पिता जब खुद अपनी भाषा अगर नहीं स्वीकार कर सकता तो बच्चों तक कखन से सिकोला ये सिलसिला मैं दगड़ी बहुत लंबे टाइम तक चली मैं अपनी बात अगर बतौलूँ पर आ, कुछ मौका इन मिली मंचों पर जान को कि मेरी अपनी जो सोच है वो विकसित हुए और मैंने अपनी बोली भाषा को जो सम्मान है वो महसूस करी एक अनुभव आप दगड़ी साझा साजिश होकरूँ कि एक बार एक कार्यक्रम में जान को मौका मिली और मेरी उम्र शायद पंद्रह सोलह साल रहे होली मैं और मेरी दगड़े वे कार्यक्रम में आपस में बात करना चाह और गढ़वाली में बात करना चाहे जबकि जो माहौल वे कार्यक्रम में गढ़वाली बहुत दूर की बात है हिंदी बोन वाला लोग भी नहीं छा लेकिन जब भी हम थे आपस में बात करना चाहे हम अपनी बात गढ़वाली में करना छा अचानक जो सभी लोग खान खाना खाना बैठे छा और ते बीच में हम जब बात करना चाहे दो महिला हमारे पास एक बोन बैठी तो जिक्र करी कि हम उन भाषा सुनी सुनी चे मैं बड़ो हैरान वे कि लेकिन लो, जो लोग छा इसी भैर देशा और जब हम बात करन बैठी तो जिक्र करे कि हम ते गढ़वाली बोन नहीं होती लेकिन हम ते ये गीत बहुत पसंद छे और दुई जो गीत तो ते पसंद था तो तो ते गीतो नौ भी लेनी और बकायदा ते की लाइन भी हम ते जो चे बताए और सुगीत जय बोला जय भगवती नंदा जब मैं ये गीतों का मुख से सुनी मैं बड़ू हैरान छू और मैं धन्यवाद हिंदू आदरणीय हमारा गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी थे कि उन्होंने इतना सुंदर रचना इतना सुंदर गीत लिखी कि सात समुद्र पार भी हमारे गीतों की चर्चा ये से आप अंदाजा लगे सकदा कि हमारी बोली कथा समृद्ध छुंदर पार भी, भी की चर्चा छोड़े ते बाद जब हम बात कर बैठे हैं तो उन तो एक दो गीतों का जिक्र करें उन्होंने बोली कि हम ते जीछे गीत बहुत पसंद है और फरमाइश भी करे कि हम ते जूचे चार पांच लाइन ये गीते की और बते दिया सो so, माहौल बिल्कुल अलग शो हमते और मैं समझ लू मेरी जथा भी उथल पुथल दिमाग में मदगा सालों बटे है कि अगर मैं गढ़वाली बोलूँ तो मेरी बेजती बोली मेरी मैं तो हिचकचाहट होंगी बोन में मैं कन के अपनी बात रख लूँ वो सब दूर हो गया कि लेकिन जब इतना बड़ा मंच पर आपको सम्मान आपकी बोली के वजह से हुए बोलो तो आप अपनी बोली बोन में कभी हिचक नहीं सकता वो आत्मविश्वास जो दो कम दो दुनी, चार जो मतमिश्वास डगमगाई छो मेरू वो आत्मविश्वास में इन वक्त में जाके वापस पाए कि मेरी मेरी बोली मेरी भाषा जो सात समुद्र पार कर लोगों ते भी जो इत्यापसंदे वो वक वो हमारा गीतों का जिक्र छा तो वो जो आत्मविश्वास जो खोई छो सुमेत तक मिली और आज तक शायद वे का वजह वे का बाद से वो आत्मविश्वास में मु जो आज भी कायम है तो मैं समझ दूँ कि हम अपना परिवेश में इन माहौल ना बना कि हमारा बच्चा जो चे आत्मविश्वास भी हमारा बच्चे में जो है ना पैदा हो सकूँ तो हमारा बच्चा आत्मविश्वास तो मुझावी अपनी बोली तय अपनी भाषा बोल में शर्मिंदगी नहीं हो सकती यू मेरे अनुभव केंद्र जो जो मैंने जो चे समझी सी और सीखी थी रही बात अब किले की ते का बाद बहुत से मंचों पर जान को मौका मिली अपनी सोच बढ़ोने को मौका मिली और सामाजिक मुद्दा हो या फिर बोली भाषा को मुद्दा हो अपनी बात रखने को मौका मिली तो मेरी सोचने और समझने की जो क्षमता बिचे वो भी विकसित हुई पत्रकारिता का क्षेत्र में छूँ तो कोशिश मेरे जो प्रयास रंदू रंदू कि मैं अपने स्तर पर भी अपनी बोली भाषा का प्रति आप सम्मान जाहिर कर सकूँ अपनी आप प्रचा, उनको प्रचार कर सकूँ तो जन के आप सभी जानन कि पत्रकारिता अखबार हो सोशल मीडिया हो को एक बहुत बड़ो प्रभाव जो समाज पर पड़ दू और कहीं ना कहीं समाज में ते देख दू भी हम अपने कार्यक्रम हम अपना अखबार का जरिए प्रयास कर हैं कि हफ्ता माह महीना माह दिनों माँ जो अखबार की जो शीर्षक हों अखबार को जो हैडिंग वे पढ़ना का बाद जो, जो हमारे जो पाठक जो, जो वो अग्नि खबर पढ़ पसंद कर दूँ तो हम कोशिश कर हैं जो हमारे अखबार की हेडिंग हो वो कम से कम गढ़वाली माँ एक हेडिंग जरूर लगूँ और ये कहीं ना कहीं जो हम इन चीज़ से बहुत ध्यान रख दें इस चीज़ का खास तौर पर हूँ एक स्पेशल जो एक तरीका से जो एक पेज भी हूँ शुरू करी फिर अपड़ो पहाड़ कर जैम हम अपनी बोली भाषा में जो कुछ ना कुछ जो लिखता खास तौर तो पर अखबार की जो हेडिंग थी मैं कोशिश दी कि एक हेडिंग कम से कम जो हम जो कार्यक्रम में की जो गढ़वाली में दिया ताकि जो हमारा एक एक कोशिश एक प्रयास हमारी ओर से कि हम भी कहीं ना में इससे जुड़ियाँ रहें तो अग्नि भी आ, मेरी कोशिश रही कि अपना अपनी जगह पर रह के मैं अपनी बोली भाषा का प्रति अपरूच सम्मान अपरूच समर्पण जाहिर कर सकूँ लेकिन खास तौर पर जो आ, मैं धन्यवाद ओम प्रकाश जी को दे दूँ कि आप इतना सुंदर पहल करिए और जो लोगों थे आप पहल का माध्यम से जुड़ना उनका विचार सुनना का बाद और ये पहलते समझना बाद जो हमारी युवा पीढ़ी पर भी कहीं ना कहीं ये आभास भूलूँ और का बीच भी एक बहुत अच्छा संदेश जालूँ कि कहीं ना कहीं जो हम बात कर हैं कि युवा पीढ़ी पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो भी अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपनी बोली भाषा का प्रति अप्रू दायित्व तो समझ लें और यकीन मैं कह मैं युवाओं का बीच में काम भी कर दूं तो कहीं ना कहीं मैंने देखी बेचू कि हमारे युवा भी अपनी बोली अपनी भाषा का प्रति अपनी जिम्मेदारी समझदा छिन और आप चाहे वो, आ, वो अपनी अपनी जो कविताओं का जरिए हो अपने गीतों का माध्यम से हो सभी लोग लगातार प्रयास करना छिन तो मैं समझू आप आपके द्वारा जो ये पहल जो शुरू की गई थी वो वाकई में सराहनीय है और युवाओं का बीच लोगों का बीच एक बहुत बड़ा संदेश जान दूँ कि अपनी बोली बोल माँ कोई हिचकिचाना बोलना की माँ मातृभाषा और मातृभूमि को कोई विकल्प नहीं दे सक तो हम लोगों की हम लोगों को प्रयास रहे चंद्र की हम जो है अपना बच्चों का बीच में भी ये भावना तो पैदा ना करें कि अगर हम गढ़वाल में बोना तो हम शर्मिंदा हूँ गर्व से बोला हम गढ़वाल में रहा ज्ञान ज़रूरी है भाषा एक माध्यम और वो हमारी संस्कृति छे लेकिन हम अपनी संस्कृति अपनी बोली छोड़ तो हम अपनी पहचान भी छोड़ तो ये एक के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँ और एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद दे दूँ धन्यवाद